कैनेडियन वजीर खारजा गजा के बारे में सवाल पर बरहम, मेलानी जूली ने मोबाइल साइल के मुंह पे दे मारा। सोशल मीडिया सार्फिन की कैनेडियन वजीर खारजा पर तनकीद। कनाडा में कार्बन की कीमत में 80 डॉलर फी टन तक बढ़ने पर रिबेट में इजाफा। एक लीटर पेट्रोल की कीमत 3.3 सेंट इजाफी होगी। कार्बन की कौमी कीमत पूरे मुल्क में लागू होती है। कनाडा के मुसलह अफवाज कैरेबियन कम्युनिटी के फौजियों की तरबियत में मदद के लिए जमैका में तैनात। कैरेबियन कम्युनिटी के फौजियों को हेटी में अमन बहाल करने के लिए तरबियत दी जाएगी। कनाडा की अफवाज के 70 अरकान को तैनात किया गया है। तुर्किया में बलदियाती इंतखाबात में सदर उर्दवान को बदतरीन शिकस्त। अपोजिशन की तारीखी कामयाबी, सदर रजब तैयब उर्दवान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। उर्दवान का कहना है कि बलदियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी अपना एहतसाब करेगी। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट एंड बिजनेस वीजास। वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। लाइटो इमिग्रेशन। कैनेडियन वजीर खारजा की जानिब से एक शहरी की जानिब से गजा की पट्टी में सवाल पूछे जाने के जवाब में तुर्श रवैये सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। तफसीलात के मुताबिक कैनेडियन वजीर खारजा की जानिब से एक शहरी की जानिब से गजा की पट्टी में सवाल पूछे जाने के जवाब में आपे से बाहर हो गईं। खातून वजीर ने गजा की पट्टी में बेघर फलस्तीनियों के बारे में सवाल पूछने वाले पर न सिर्फ बरहमी का इजहार किया, बल्कि शहरी का मोबाइल उसके मुंह पर दे मारा। मेलानिया जूली एक शहरी पर गुस्से में फट पड़ी, जो अपना मोबाइल फोन लेकर उसके पास पहुंचा और उससे गजा की पट्टी से फरार होने वाले फलस्तीनियों की तादाद जाहिर करने को कहा। ताहम साइल ने जल्दी से उससे पूछा कि वो इसका फोन इस तरह क्यों मार रही है, और साथ ही उसे पुरसकून होने को कहा। फिर उसने उस पर सवालात उठाए कि वो क्यों फलस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी को फरोग दे रही है। जूली ने पहले बयान किया था कि फलस्तीनी इलाके गजा की पट्टी में जो कुछ हो रहा है वो 7 अक्टूबर के बाद एक डरावना ख्वाब है। उन्होंने इंसानी सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए गजा में जंगबंदी की जरूरत पर भी जोर दिया। वाकई की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, जिस पर सोशल मीडिया सार्फीन कैनेडियन वजीर खारजा पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। तकरीबन 2 हफ्ते कबल कैनेडियन वजीर खारजा ने इसराइल को हथियारों की बरामदाद रोकने का ऐलान किया था, जिसके बाद हाउस ऑफ कॉमन्स की जानिब से गैर पाबंद करारदाद के जरिए तेल अवीव के साथ फौजी और तकनीकी मसनूआत की तजारत को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया था। कनाडा में वफाकी कार्बन टैक्स और इससे मुतालिका रिबेट आज बढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन के अखराज पर कौमी कीमत 65 डॉलर फी टन से बढ़कर 80 डॉलर हो गई है। जबकि कार्बन की कौमी कीमत पूरे मुल्क में लागू होती है, हर कोई वफाकी कार्बन टैक्स अदा नहीं करता और रकम वापस वसूल नहीं करता। क्यूबैक, तीनों इलाकों और ब्रिटिश कोलंबिया में कार्बन की कीमतों का तायुन मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। रिहायशियों को वफाकी छूट नहीं मिलती है, बाकी सूबे वफाकी हुकूमत के कार्बन टैक्स या ईंधन के टैक्स के ताबे हैं, और खानदानों या रिहायशियों को वफाक से छूट मिलती है। कनाडा में सनअती अखराज करने वालों के लिए वफाकी, सूबाई और इलाकाई कार्बन की कीमतों के निज़ाम का मरकब भी है। 1 अप्रैल से वफाकी कार्बन टैक्स में इजाफे से ड्राइवरों को पंप पर 3.3 सेंट फी लीटर इजाफी लागत आएगी। 2019 में कनाडा की फ्यूल लीवी मुतारिफ कराए जाने के बाद से कार्बन टैक्स ने 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 17.6 सेंट का इजाफा किया है। दूसरे ईंधन के लीवीज ऑनलाइन मिल सकते हैं। फाइनेंस कनाडा का कहना है कि रिबेट हाल ही में कैनेडियन कार्बन रिबेट के नाम से दोबारा ब्रांड किया गया है। कार्बन की कीमत के साथ साथ इजाफा हुआ है। छूट हासिल करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। छूट आपके बैंक अकाउंट में बराह रास्त डिपॉजिट के जरिए
या मेल में चेक के जरिए पहुंचती है। विभागीय हुकूमत का कहना है कि 10 में से 8 खानदान कार्बन टैक्स के तहत अदा करने से ज्यादा छूट वसूल करते हैं। कुल रकम ऑनलाइन भी मिल सकती है। कैनेडियन मुसल्ला अफवाज के चंद दर्जन अरकान को जमैका में तैनात किया गया है ताकि कैरेबियन कम्युनिटी के फौजियों को हेटी में अमन बहाल करने के मिशन के लिए तरबियत दी जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस की जानिब से जारी होने वाली खबर में कहा गया है कि जमैका की हुकूमत की दरख्वास्त पर जुमे को कैनेडा की अफवाज के 70 अरकान को तैनात किया गया था। इसका कहना है कि एक माह तक जारी रहने वाली असाइनमेंट में CAF के अरकान हेटी में तैनाती के लिए कैरेबियन कम्युनिटी के फौजियों को तैयार करने में मदद करेंगे, जहां कैरेबियन फौजी मुल्क में सलामती की बहाली के लिए अक्वाम मुतहदा के मजाज मिशन के हिस्से के तौर पर हेटी नेशनल पुलिस को तकवीत देंगे। कैनेडियन अहलकार जो फौजियों को जंगी इब्तदाई तिब्बी इमदाद और अमन कायम करने समेत महारतों की तरबियत देंगे, बुनियादी तौर पर पहली बटालियन रॉयल 22वें रेजिमेंट से वॉल क्वार्टियर क्यू से तैयार किए गए हैं, जबकि कैरेबियन कम्युनिटी के दस्ते जमैका बैलीस और बहामास से हैं। हेटी में गैंग्स ने मकामी पुलिस फोर्सेज को जेर कर लिया है और मुल्क के कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जिससे एक पुरतशद्दुद टर्फ जंग शुरू हो गई है जो जजीरे के सोसाइटी के खात्मे का बाइस बनी है। जनवरी में कनाडा की मुसल्ला अफवाज ने जमैका बैलीस और बहामास के तकरीबन 300 दिफाई अहलकारों के लिए तरबियती कोर्सेज की क्यादत की। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद पार्टी अपना एहतसाब करेगी। तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में सदर उर्दवान और उनकी जमात को बड़ा धचका पहुंचा है। तुर्क सदर को 22 साल इक्तदार में रहने के बाद बदतरीन शिकस्त हुई। सदर रजब तैयब उर्दवान ने शिकस्त तस्लीम कर ली। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद खिताब में कहा कि 31 मार्च हमारे लिए अख्तिताम नहीं, टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने कहा कि तुर्क अवाम ने वोट के जरिए सियासतदानों को अपना पैगाम पहुंचा दिया। उर्दवान ने कहा कि मई इलेक्शन में जीत के 9 माह बाद हम मतलूबा नतायज हासिल न कर सके। AK पार्टी और पीपल्स अलायंस ने इलेक्शन की भरपूर तैयारी की थी। सदर उर्दवान ने मजीद कहा कि हम इंतखाबात के नतायज का पार्टी में जायजा लेंगे और अपना एहतसाब करेंगे। 70 साल उर्दवान ने इस्तांबुल को दोबारा फतह करने के लिए जाती तौर पर मुहिम चलाई थी। ये शहर तुर्किया की मईशत का पावर हाउस है और तुर्क सदर ने यहीं से बतौर मेयर अपने सियासी सफर का आगाज किया था। ताहम शदीद महंगाई और मौशी बहरान ने हुक्मरान जमात के एतमाद को चोट पहुंचाई है। वाज़ेह रहे कि तुर्किया के बल्दियाती इंतखाबात में सदर उर्दवान और उनकी जमात को बदतरीन शिकस्त मिली है। हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने 70 साल बाद तारीखी कामयाबी हासिल की है।